कई बार क्या होता है, हम गूगल प्ले स्टोर से काइन मास्टर एप्लीकेशन वीडियो एडिटिंग करने के लिए डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम जब भी वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसमें हमें काइन मास्टर का वाटरमार्क और ऐड देखने को मिलते हैं, जिसके बाद हम उस वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के थ्रू हम किसी भी वाटरमार्क वाले वीडियो एडिटिंग ऐप को यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा चैनल परमानेंटली डिलीट भी कर दिया जा सकता है। और अगर हम उस काइन मास्टर के वाटरमार्क को हटाना चाहते हैं तो हमें सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं जो कि काफ़ी महंगे आते हैं। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में बहुत ही कम समय में और सबसे आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि आप कैसे एक क्लिक में काइन मास्टर के वाटरमार्क को हटा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए हुए काइन मास्टर एप्लीकेशन को हमें डिलीट कर देना है। उसके बाद गूगल के सर्च बार में सर्च करना है काइन मास्टर मोड ऐप। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो सिंपली हमें पहले वाले वेबसाइट पे ही प्रेस करना है क्योंकि यहाँ हमें लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेंगे और इसमें पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं कि काइन मास्टर मोड क्या क्या फीचर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपली हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और हमें सबसे लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना है। जैसे कि यह पहले वाला एप्लीकेशन सबसे लेटेस्ट है तो सिंपली हमें इस पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपसे एक परमिशन मांगेगा, तो सिंपली आपको इसके ओके पर प्रेस कर देना है। ओके पर प्रेस करते ही यह डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। उसके बाद काइन मास्टर मोड ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने काइन मास्टर पर चले आना है और आप यहां से देख सकते हैं काइन मास्टर का वाटरमार्क हट चुका है और इसमें एक ऐड भी नहीं आ रहे हैं।